गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यूनिट 8 एंड नेक्स्ट टॉपिक क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेबल। तो टेबल क्या होती है? टेबल जो होती है वो हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजेंटल रो से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और जो इंटरसेक्शन पार्ट्स होता है रो एंड कॉलम का, उसे हम सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये थ्री चीज़ होती हैं जो कि मिलकर के टेबल बनाती हैं, ठीक है। रो क्या होती है? रो रन हॉरिजेंटल इन अ टेबल एंड डिवाइड बाय बॉर्डर। जो रो होती है वो हॉरिजेंटल होती है, यानी ये वाली आपकी रो होती हैं, और इसमें जो बॉर्डर की लाइन बनी हुई होती है। और जो कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके वर्टिकल होते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन जो होती हैं वो आपकी कॉलम कहलाती हैं। और सेल क्या होती है? रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन पार्ट जो होता है वो आपका सेल कहलाता है, ठीक है। बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर जो होता है, यानी कि जो टेबल के चारों ओर लाइन बनी हुई होती है मोटी सी, उसे हम बॉर्डर बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें अपने एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे टेबल ऑप्शन आएगा, टेबल में क्लिक करेंगे, फिर वो हमसे पूछेगा कि आपको कितनी रोज़ एंड कॉलम्स की टेबल चाहिए। तो आप नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम राइट करेंगे, देन उसके बाद अप्लाई कर देंगे, तो उतने रोज़ और नंबर की टेबल आपके स्क्रीन में आ जाएगी, ठीक है। एंटरिंग डाटा इनटू अ टेबल, इसके बाद आप अपने टेबल में डाटा क्रिएट करेंगे। कैसे इंटर करेंगे? तो डाटा क्रिएट करने के लिए जितने भी आपने नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम लिए उसी के अकॉर्डिंग आप डाटा डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे नेम राइट कर दिया, सब्जेक्ट आपने राइट कर दिया, ठीक है, रोल नंबर राइट कर दिया, क्रमांक आपने एसआर नंबर राइट कर दिया। तो जो जो चीज़ें आपको जितने भी कॉलम्स या रो की ज़रूरत होगी आप उतने कॉलम्स रो बना लेंगे, और उसके बाद आप कोई भी एक शीट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाइंग टेबल स्ट्रक्चर, मॉडिफाइंग क्या है? इसके अलावा आप अपने रोज़ टेबल में कई सारे चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कई सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक रो हमसे कम हो गई या एक कॉलम कम हो गया, तो आप फिर से ऐड रो एंड कॉलम में जा कर के उतनी रो और कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चेंजिंग कॉलम एंड सेल विड्थ, आप अपनी कॉलम और सेल का विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। विड्थ और हाइट दोनों चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। एडजस्टिंग कॉलम विथ यूजिंग रूलर, आप अपनी कॉलम को रूलर के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी बड़ी आपको कितना डाटा उसमें इंटर करना है, उसके अकॉर्डिंग आप कितनी लाइन बड़ी करेंगे। फिर है हमारा एडिंग बॉर्डर एंड शेडिंग इनटू टेबल, इसके बाद हम अपनी टेबल में बॉर्डर और शेडिंग भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कलर का हम उसमें बॉर्डर लगा सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगे, और उसके बाद उसमें हम कोई भी बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं, और कई सारी उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। कोई डिज़ाइन डाल देंगे, कोई टेम्पलेट्स डाल देंगे, ठीक है। मर्ज टेबल सेल, स्प्लिट टेबल सेल एंड स्प्लिट इनटू टेबल। तो देखिए, मर्ज सेल क्या होती है? यानी एक साथ हम जब दो कॉलम्स को एडजस्ट करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी एक कॉलम हो हमारा उसको हम पूरा एक बना दें, ठीक है। तो वो हम यानी मर्ज कर दिया, हमने उसको मिला दिया। स्प्लिट क्या है? जो मर्ज सेल हुई होगी उसको हम अलग अलग करने के लिए स्प्लिट ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो सेल मर्ज हुई होगी उसको हम स्प्लिट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी? अलग अलग डिवाइड हो जाएगी। फिर कन्वर्टिंग टेबल टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू द टेबल, तो आप इसके बाद अपनी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपको केवल नंबर्स की टेबल चाहिए तो आप केवल नंबर की बना लीजिए, अगर आप केवल टेक्स्ट की चाहिए तो आप केवल टेक्स्ट ही राइट करिए उसमें। तो इसी तरीके आप अपना रिपोर्ट कार्ड या अपनी मार्कशीट, ये सब चीज़ें आप अपनी एमएस वर्ड में भी बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। आप इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर को करिएगा। ओके, थैंक यू।